आज रोहित भाई ने मैच बना के रखा हुआ, कोहली जी तो आज 0 पे चले गए, लेकिन जाना ही था। मैं तुझे कह रहा था कोहली को एक मैच में जल्दी आउट होना चाहिए, होना चाहिए, और आज इंडिया को एक वो भी सेटबैक भी मिलना चाहिए। आज नहीं, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, यार साउथ अफ्रीका अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, राज कर रहा था हमारे पे। देखिए एक बार आज उन्होंने घर पे फोन किया था, मैं कह रहा था कि ऐसे ही मतलब आ जाओ मम्मी से मिलने के लिए, लेकिन मेरा असली ऑब्जेक्टिव था कि मम्मी मेरे अलमारी लगा दें आगे, लेकिन उन्होंने मना कर दी। लगा लेना, मैं कैसे लगाऊं यार, मुझे कपड़ों की चाहिए मालूम, यार तीन सारे कपड़े निकाल पहले बाहर, और फिर लगाने शुरू कर। अभी तो दो बैग में भी पड़े हैं इनके अलावा। तेरा भाई तो लिमिटेड ही कपड़े लाने शुरू कर दिए उधर से, मगर जो पहनने अगर 3 दिन रहना तो 3 ही लत्ते लाऊं मैं तो, और बदल बदल के पहनता रहूं अपने। मेरे पे कपड़े तो बहुत है, मैं तुम्हें रिपीटेड कपड़ों में इसलिए दिखूं क्योंकि मैं तह नहीं खोलना चाहता कपड़ों की, वो खुल जाए तो फिर मेरे से बनती नहीं। अब हो गया देखो, चलो वापस कर दे सारे कपड़े। चोरे कहां है? शौर्य अभी तो मेरे साथ ही जा रहा। शौर्य जा रहा, वो गाड़ी लेने गया हुआ नीचे। आजकल यार मैं सोशल मीडिया कम यूज कर रहा, और मैंने ऐसे देखा कि मेरे अंदर काफी पॉजिटिव बदलाव है। मतलब पहले ना हर वक्त मेरे सर में दर्द सा आ रहा था, एक अजीब सा, तो अब वो भी नहीं रहता। पहले मैं सारी चीजों को देख के काफी नेगेटिव सोचता था, अब वो भी नहीं सोचता। मतलब कितना भी नुकसान हो रहा, कुछ भी चल रहा हो मेरे सामने, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है उसी का असर है सोशल मीडिया। मुझे लगे बहुत ज्यादा ओवर चलाना ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है मेंटली। मतलब एक तो वही है कि आंखें लगातार कॉन्सेंट्रेट कर रही, मतलब ये वो जो फिजिकली आप महसूस करो कि आंख में दर्द हो रहा, सर में दर्द हो रहा, वो तो वही था, लेकिन मेंटली भी। अरे अच्छा भाई, तुम मेंटल हेल्थ की बात कैसे करे, एक रोस्टर कैसे कर सके, नहीं ऐसे ही बता रहा मैं, जनरली इवेंचुअली ग्रेजुअली टेक्निकली। मैं मेरे ब्लॉग करते हुए यहाँ तक आने का टाइम भी कोई भी चीज मैच नहीं कर सकती। बिल्कुल जैसे ही मैं पहुंचूं ऐसे ही गाड़ी अराइव करे। किसी ने बहुत दिमाग से नीचे बेसमेंट बना रखा, सबको पार्किंग बहुत कैलकुलेशन से मिली हुई। ओ, सुबह सुबह हनुमान चालीसा, बहुत अच्छे। पीछे से चलेंगे आगे से? पीछे से। ओके अति लुत बल धामा, जनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं कह रहा था कि हनुमान चालीसा ना मैंने कभी याद करने की कोशिश नहीं की। मैं जब बोलता था या जब चलती थी घर में, तो मैं वहीं से ही सीख गया। और या तो इसे बोल सकते हैं कि आपके दिमाग में ही रटी गई कि एक बारी फ्लो में ना, मुझे पूरी याद है पूरी फ्लो में, एक बारी वो फ्लो सा बना के। और मुझे ये भी बताना जो लोग चालीसा वगैरह करते हैं कि कुछ कुछ वर्ड्स की प्रोनंसिएशन, मान लिया मैं हनुमान चालीसा बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ या मन में ही पढ़ रहा हूँ, और मेरी प्रोनंसिएशन कुछ वर्ड्स की गलत है मान लो, तो क्या उसका भी कुछ मतलब डिसएडवांटेज है या चलता है? मतलब इतनी मिस्टेक चलती हैं, क्योंकि मुझे लगे कि थोड़ा बहुत संस्कृत वर्ड जो हिंदी में हम बोल रहे कहीं ना कहीं उनका उच्चारण हम गलत करें तो ई आगा हो जाए कई बार, और वो भी फ्लो में, तो उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बिल्कुल सही बोलनी चाहिए। मुझे बताना मतलब एक एक वर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगे कि 2-3 वर्ड ऐसे कि जब मैं पढ़ के बोलता हूँ तो मुझे तब तो करेक्शन लगे कि हाँ मैं गलत बोल रहा था, बट जब ऐसे फ्लो में बोलते हैं तो वो गलत, क्योंकि अब मेरी जीभ पे चढ़ गए तो ऐसे ही बोल ले जाऊँ। तो बताना जरूर जो महाविज्ञानी होंगे। पीछे सूरज दिख रहा है साइड मिरर में, और गाना बजा रखा, दिक्कत लड़के जा रहे हैं। इनका नाम तो दिक्कत चौधरी, दिक्कत तोमर रख दो बस। बड़े भाई खा के भी तो दिखाओ। ऑन कैमरा ऑफ कैमरा तो बतेरे खा लो तुम। रे आ गया बहुत देर का। अच्छा दोबारा घंटी बजी थी, रे आया था तब। आओ बड़े भाई बाहर को चल ले घूमने। दो मर्द निकल चुके नोएडा में, और किसी भी औरत को घबराने की जरूरत नहीं है। विकांशु भाई आ रहे हैं, सबकी इज्जत का रखवाला विकांशु नाडे वाला। विकांशु भाई वो जो उस दिन ब्रा मिली थी यहीं पड़ी होगी, मुझे उससे कुछ काम है जरा। एक बार ढूंढी को उतारी। अच्छा काम है वो, एज अ प्रोप चाहिए मुझे। तो उसे यही जो उठा के रख ले भाई। उठा के रख ले बड़े भाई, मुझे तुम्हारे इरादे, मैं तुम्हें कहूँ तो बड़ा भाई, पर तुम डिजर्व नहीं कर रहे अभी फिलहाल ये सब। तुम ऐसी गंदी बातें करो मेरे से ऑफ कैमरा। बड़े भाई इतनी गंदी बातें कर रहे हैं यार, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। अगर यहाँ पड़ी होगी तो इसका मतलब हमारी सोसाइटी में मर्द ठीक हैं सारे, लेकिन ठीक है नहीं। बड़े भाई फर्स्ट नाइट। पता नहीं यार मुझे यूं ही क्यों याद आया देख के। अर कोई यूं कह के गया जो ज्यादा बोल रहे हैं ना साला उसके साथ ही हो। ओ भाई तो बड़े भाई तुम तो जज कर रहे हो यार ऐसे। तो हंस भी नहीं, अबे इस सब से जज थोड़ी हो जाएगा, वही है। तू तो कैमरे के पीछे फंसा दे। रणवीर ने भी यही गलती करी थी, यहीं पड़ी। ठीक है यार मर्द तो सब सही है अपने सोसाइटी के। ये एक मर्दों का यहाँ पे चेक था बस,
और सबने एकदम टिक लग गया कि कैरेक्टर के सब ठीक है। मैं वापस बता रहा कि मुझे ना इतने एडिक्शन हो गए जितने भी लेबर के काम कर रहे हैं ना लोग, और ये जो मिनी व्लॉग बना रहे, तो मैं ये कहना चाह रहा है कि जो लोग प्रिविलेज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, जिनके पास सब कुछ है, संपूर्ण है, जो जो भी बोलते हो जो संपूर्ण ही कह देंगे, जो लोग संपूर्ण है, नौकरी पैसा कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो रिलेवेंट नहीं है आजकल इंटरनेट पे। आजकल ट्रक चलाने वाले, आजकल दिहाड़ी लगाने वाले लोग बहुत रिलेवेंट है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं हमारे व्लॉग दे, वैसे मेरी ऐसी ऑडियंस है नहीं फिर भी मेरी आधी ऑडियंस ऐसी है, तो मैं बता दे रहा है कि तुम लोग बना सकते हो यार। मुझे खुद एडिक्शन हो गया, मैं देखना चाहूँ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बड़े भाई गरीब परेशान है ही हमारे देश में, पता क्यों? देख लियो गरीब को साले को बैठने के लिए सीट भी नहीं है, गरीब की सच में गांड मारी जा रही है। मेरे दोस्तों NS58 पे चढ़ा दी, देख जितने भी सामान तोड़ूंगा, जितनी बार भी ठुकूंगा 10 गिनने तक, तो मैं इतना ही चूतिया इंसान हूं। तो हम लोग आठ हुआ 30 हां देखना, और एक्टिव बटे भाई स्पीड पे से अब उठा लिया, ब्रेक नहीं लगा ले, ब्रेक भी नहीं मारने, हैंड ब्रेक लगा सको बस, 8 अभी कहां लगी बटे भाई, तब तो की नहीं जा रहे, धीरे धीरे बटे भाई स्लो कर दिया है वो। अभी लगती लगी सीधी लाओ दिखाऊंगा, चलो मैं देखूंगा। चलो भाई वृंदावन एक्सप्रेस पे चढ़ लो, पड़ी गए गैराज में घर पे। अरे नाम वो कर रखे ना यार, याद है। अच्छा थोड़ा Z4 बोला तो क्लास वाला बंदा लगता है ना। कह रहे भाई तो आम बात है, इसने तो गाड़ी देखते ही पहचान ली, हो सकता है कभी खरीद भी ले। तो आम बात है, मैं इस गाड़ी में कभी पैसे नहीं खर्चू, मेरे पास होने के नहीं इतने, पर खर्चू भी नहीं। तू खर्च देगा छू दिया, तू तो छू दिया, देख ले बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिए पैसे। हाँ भाई, अरे पहले में भी तो कह रहे थे, अभी याद आया मुझे वो बात करते हुए, पहले में भी तो कह रहे थे पोत ला रहा, डैन ला रहा। डैन बोल रहे हैं तुम्हारे यहाँ, तुम ज्यादा पिछड़े हुए गाँव से थे। हम तो कैसे पिछड़े, डैन अरे उसे ब्रेक लेने को भी तो वेट सी बता रहे थे वो भाई, वेट सी ये खेल लेंगे देख के मुझे खिलाई नहीं, वो तो अभी भी पता लग रहा है, अभी भी नहीं खिला रहा मैं तुझे बहुत सारे गेम जो तेरे पीछे खेल लूं मैं, एक छुआ छूत वाला खेल लूं मैं। तू क्यों हंसता है, सुन रहे इन बात तो है, टेस्ट करो जाऊं मैं कहां हंस रहा, तेरी उम्र में तो मैं जन्म मिलता है सब, तो तेरी क्या बात करते रहे, कोई ये बात कर रहा था अरसा, तो मैं कह रहा था भैया मैं नहीं जानता, हमारा मुंह 180 डिग्री। अरे 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 हार ले आओ, हार ले आओ, हार ले आओ, ये डायनासोर तो नहीं आ रहे वापस, मेरे नन्ना की एक तो घड़ी वापिस कर दे, गिर गया था अभी, क्या दिक्कत है तेरे अंधे का टाइम बता रहे। चलो चलो बस आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, अप्रिशिएट करो भाई, टीम जा रहेगा, जींस पहन के तेरा दोस्त जा रहा है, वो जा रहा है जिसमें तूने पैसे दे रखे, आ आ आ नहीं हम तो जा रहे हैं, कहां जा रहे हो जिम, सुनो आप तो अपने दोनों में दे रखे, हां जा जा कोई से भाई, एक दो और भी दे रखे कहीं इधर उधर, लेकिन अभी प्लस वन हमारे पास ही है, छिट्टा क्या हो क्या सीन है, तो नोएडा रह रहा है यार, रे कैसी बात करो यार, तू छिंटे बता रहा, तू लड़कियां भी गंवार देसी बोल के भाग जा, अरे ठीक है हम तो नहीं, फेशियल बताएगा अपना तो नहीं है, क्रीम पाए, क्रीम पाए फेशियल ही है। क्रीम रोल कौन सा बंदा बेचा, क्या नाम है उसका, बिनुनाथ, बिनुनाथ जिसे किसी भी तरह रोस्ट करना हो ना कोई बहाना ढूंढ ले। बिनुनाथ ने ना हमारा जिक्र करा उसमें कि मेरा दोस्त रक्षा चौधरी ब्लॉग देखता है, मैं मुझे भी काफी पसंद है ह्यूमर हूँ, तो एक ना फॉरवर्ड कर रखा, मतलब एक सब्सक्राइबर है मेरा जो काफी मैं ऐसे हर चीज फॉरवर्ड करता रहा, मैं उससे काफी टाइम से बात करता रहा, भेज के मुझे यूं कह रहा एवरेज रक्षा चौधरी ऑडियंस, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, फिर वापिस उसे मगा छोड़ गया, तेरा मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, तुझे क्या ही लगान बच्चे लड़के आर्टेर में, अरे वो फोन बज रहा उसके लिए फोन दे ले, लुटा गला लुटा ला, मैं ला रहा दिए स्पॉन्सर छूट रहा, चले गए कौन से
बहुत पहले से, ये तो नया वो हुआ इसका इंडिया में, इंडिया में बहुत पहले से जिमनी बहुत पहले एम्बेसडर की तरह कभी आई होगी पुराने, तो पागल है। लेकिन कंटिन्यूटी में तो नहीं बिक रही थी, कंटिन्यूटी में बिकी जिमनी, बहुत बिकी अब तक भी बिकी जिमनी, जिमनी 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 काफी टाइम तक नहीं। अरे भाई रे बाप भाई, सन 2005 किसी और के सामने ना कह दियो, जब से मेरी यादाश है 5-6 से तो जिमनी नहीं भी, नहीं भी तुम कह रहे हो ना जिमनी थी नहीं, काफी पॉपुलर होगी होगी। अरे वही तो है जिमनी जो पुलिस वाले चलावे हैं जूतियों, वही तो है जिमनी। अरे वो जिप्सी है बड़े भाई, जिमनी भी है जी है यार, वो जिप्सी थी पहले मारुति जिमनी, ये आवे थी पहले, ये जिमनी से ही तो कहते हैं, ये पुलिस वाले लिए फिरे थे। अरे मुंबई पुलिस, हां ये जिमनी थे, जिमनी है भाई, इसे मैं जिप्सी के नाम से जानता हूं, तो सॉरी मुझे नहीं पता, तो मैं अपनी गलती से ऐड क्यों रहा, कोई बात नहीं है, तो बता रहा थी पहले, बता रहे यार नॉलेज मिल गई। लेकिन 2005 के आसपास फिर ये है नहीं, फिर ये इसमें वो करी गई, अभी आई है तो जस्ट पहले ही आवे थी जिमनी, विदेश में तो ये 2-4 साल पहले। अच्छा अगर पुलिस को ये वाली देते, अरे बढ़िया है, और टर्रफ एंड टर्फ। पुलिस भी कहाँ चला रही है अब दूसरे वाली, बस फिल्मों में चलाया गया से। पुलिस तो बलेरो, अगर इसमें दो पुलिस वाले बैठ गए तो अद्दा ही चोरा होगा इतनी सी। बेचारों के रूफ टॉप इतना कच्चा रह गया था पुलिस वालों का, उसमें धूम मन में थी बताया पुलिस वालों पर, चोर मचाए शोर, उसमें रखा गया था पुलिस वाले वाली गाड़ी। अरे गर्व में देखी मैंने सलमान खान पे बसी, उसके बाद तो भाई सिंघम कौन सी चला रहा था 2009-10 में, स्कॉर्पियो बताओ। हाँ वो तो फिर तो चेंज होगी, ऐसा निकाल के लाते हैं आर्टिकल तो, और वीडियो में चिपका देते हैं, वीडियो में पीछे एम्बेसडर भी हमारे सामने ही बंद हुई है ना, मेरे मोस्टअप है थी ब्याह में लेके गया था मेरे नाना ना, नहीं अब वापिस आओगी, लेकिन यू कह रहे मतलब उसके नाम से लाओगे लुक, तो नहीं रहा वो लुक तो पिट जाएगा एमजी मोटर्स ही बेचेगा, उसके हिंदुस्तान की मोटर्स कर रहा ना किसी के साथ वो, अच्छा हिंदुस्तान की थी क्या एमजी मोटर्स, मुझे लगा एमजी मोटर्स नॉलेज हिंदुस्तान मोटर्स की थी, सॉरी अरे ये कंपनी जो हमें यूं लगे है ना कि फ्लॉप हुई पड़ी, ये कुछ आर्मी बारमी और सरकार को बेचो जहाँ चुपचाप, रेनॉल्ट की बता तो रहा था मैं, टैंक बेच रही थी, क्या बेच रही थी आर्मी को, कहीं की आर्मी को रेनॉल्ट, बड़े वाहन बेचे है, पीएट इंजन बनावे सब गाड़ी हो गए, तेरे इंजन इंजन में वायरस लगा दूंगा। हम तो इनको टीम में बॉब्सी द किंग बोलते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बोल देता हूँ कि किंग कर लेगा बॉब्सी द किंग देख लेगा। अरे किंग भाई एक प्रॉब्लम देख लोगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं होती बॉब्सी द किंग के होते, सीधा बाहर हो जा, सीधा डिस्क्वालीफाई हो जा पाकिस्तान की, तो क्या ही बॉब्सी द किंग, बॉब्सी द किंग भाई नाम भी तो हाल ना बाबर का बिगाड़ ही दिया, बॉब्सी उठा के बाबर अपने आप में हल्का सा खराब तो था ही पहले, और भी खराब कर दिया बाबर को, खराब कैसे बता रहा, नंबर वन ओडीआई बैट्समैन दिखा है भाई फिलहाल को। हुई है जब 40 में से 45 में और ट्विटर पे ट्रोलिंग अलग ही लेवल की हो, जो कोहली से चिड़े हैं कोहली को चोकली बताए हैं, जो धोनी से चिड़े हैं उसे धोबी जी बताए हैं, कोहली धोनी से तो चिड़ने में कोई रीजन है भाई, कोई भी मतलब कोहली धोनी और रोहित से अगर कोई चिड़ रहा ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे थे टीम इंडिया में हालांकि सारे ही ऐसे हैं जिनसे चिढ़ने का कोई रीजन नहीं है, मुरली विजय के अलावा एक और किंग है जिनसे लोग चिढ़े उनका ज्यादा बोलने की वजह से, बट वो फैक्ट्स मारते हैं क्या जी वो बंदा तो डिजर्व करता है फेम, गोती भाई बट यूं है उसे एक बार ना 2011 का मैन ऑफ द मैच दुआ था, गोती भाई की आत्मा को शांति पड़ जाएगी, एक बार लाना पड़ेगा धोनी को अपने घर से उठा के, वो भाई रख ले इसे, नहीं वो बंदा मैंने रखा कि वो ना कुछ बोलने से चुप रुकता नहीं कहीं भी, और वो किसी से ना दबता बिल्कुल भी, और बात भी कच्ची और गहरी गलत गलत ही बात करे बस, उसके बाद तो उसे एकदम बात को ना ऐसे पत्थर में लिखवा दो, उसमें थोड़ा सा वो आदत नहीं है कि शुगर कोट करने वाली वो नहीं है, वो गलत भी ऐसे में अपना नुकसान भी कर लिया आदमी, नुकसान हो उसी अकेले ने कहा कि युवराज सिंह जैसा कोई ऑलराउंडर होने का नहीं, कभी नहीं होने का इंडिया में, किसी भी टीम में नहीं होने का, मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो लेकिन लक्ष्य भाई तुम फ्रॉम नोवेयर क्रिकेट की बात क्यों ले आओ, तो अभी मैं और बॉब्सी द किंग जा रहे हैं गोली द किंग किंग का आ रहा है भाई, आज उन्होंने वो वीडियो डाली इजराइल बस वाली उस पे गोली भाई, अगर ये कमेंट आ रहे मतलब यार ऐसे ही है, मुझे इसी तरह की ऑडियंस चाहिए यार की जो बुली करने में सबसे आगे हो, आ गए भाई आज बारी खड़ा है जिम आ गए इतने दिनों बाद, अब तुम्हें जिम करने के बाद मिलता हूँ, डेली तुम्हें क्या ही सेम एक्सरसाइज कर करके दिखाऊं, ये कर करके तो बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर का करियर डूब गया, मेरा कहने का मतलब है कि फिटनेस वाला कंटेंट सैचुरेट हो गया, तो वो थोड़ी बनाऊंगा मैं, तुम मेरे सिक्स पैक एब्स पे फिदा ना हो जाओ, देख लोग लगा दिया मैं गाड़ी में बैठा, ऐसा करिए जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, बन के नहीं आ रहे दो लड़के, मैं तो कम बोलता हूँ अपनी एनर्जी जिम के लिए बताता हूँ, जिम तो हो गया लेकिन अब तो भैया कपिल देव अंकल वाला एक्शन नहीं है वो।
अरे कपिल देव जो हमारे शहर के विधायक है उनके वाला नहीं, नहीं, नहीं एक रील पे फेमस है, रील पे वायरल है। कपिल देव जैसे दिखने वाले अंकल, जो कपिल देव क्रिकेटर थे ना उनके जैसे दिखने वाले लुच्चे अंकल है बहुत ज्यादा। मुझे फंडागर से पुलिस की गाड़ी चल रही है एकदम, विधायक जी को क्या कह दिया। एक ही सिम में दिक्कत ये है, यहाँ साले दिल टूटने वाले का नहीं चलते, यहाँ मोटिवेशनल सॉन्ग चले। क्या कह रहा भाई तू मोटी को? मोटी को कह रहा कि पतली बै कैमरा गोल का घूम रहा पट्टा जोगी का रखे पुराना पट्टा थाम रखा कच्चो का। तुझे जोगी और वैनेशन में क्या फर्क लगा, मतलब कौन सा बढ़िया है? मतलब चूतड़ू किस सारे एक जैसे ही है, कुछ तो फर्क होगा। पैसा ले रही कंपनी, वे पहन लग पट्टे के जो कटके बना करे थे वो आते नहीं, वो स्ट्रिप वाले धारी वाले पहने जो अंकल नाड़ा लटका रहे। हाँ वो वाले तो इसमें से पेंटिंग में पन्नी तो डाल ले, तार तो नहीं अब बता मुंह छूट बना कर दिया। वो गलत चीज आ गई पुली आ गई थी आज ब्रिज आ गया था क्या है? ब्रिज आ गया था बिल्कुल नहीं था बस हो रहे कुछ तो कुछ भी कर देते चलो उंडे हु कैरियर शर्ट इतना तू पकड़ ले भाई छोरी है बात बहुत बढ़िया, मतलब अगर तुम्हारा कोई ब्लॉग देख रहा हो फैमिली या बालक तो कुछ ना कुछ सीख के ही जाने। सबसे बदतमीज तो एक आदमी है हमारे में, बता कौन रे यू? बस भाई यूं ना रखे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट नहीं है तो स्पॉटिफाई ने वो कर दिया ना कि अब आपको कुछ स्ट्रीम्स चाहिए जैसे यूट्यूब पे ना क्राइटेरिया उसे फुलफिल करने के बाद ही आप कमा सको। तो एक ने कोट ट्वीट कर रखा कि अब अंडरग्राउंड आर्टिस्ट और अंडरग्राउंड हो जाएंगे। नहीं था बजी तरीका वाली 30 तारीख होती एक्साइटमेंट से बात लाया था हाथी सीटी वाले जोक चल जाओ तुम्हारे है ना। अब लोग इस वाले पीओवी से बना करेगा सीसीटीवी वाले। राम राम लद्दर के गया था गड्डी रोक का गया असलम भी रखते हैं पहलवान। कहाँ रखते हैं सही जा रहा है बिल्कुल ऐसे है मुझे देख के वो बाहर कट गई गूगल सॉरी है वो बचाओ आज तो किसी वो अलग गेट खोलना पड़ेगा कॉमन बाथरूम पर बचाओ के लिए बाहर जाना पड़ेगा जंगले में वो नीली घट देगी बस सी एक बार धसके की आवाज आओगी एक बार चैं चैं की और बस फिर चुप पड़ा रहेगा। तेरे वाले बात में क्या हो रहा टट्टी टट्टी हो रही है यार उसमें अरे उसकी नाली ब्लॉक होगी भाई कर दी क्या? अरे नहीं मेरे रूम में सुबह सुबह फिर बस हो गया वो काम शुरू अमरपाली वाला ब्लॉक कर दी उसकी नाली ब्लॉक हो रही उसमें पानी नहीं जा रहा तो भर जा उसमें आज करा ली ठीक मन्ना लेकिन मान ला जो फार्म हाउस पिज्जा बच गया उसमें। अरे नहीं सिद्धा का सिद्धा अड़ गया कौन जाके कल मेरे कमरे में पानी आ गया था तो फिर मैं भी आज ठीक करा लिया कल से यूज कर लूं वो सही कमरे पर संजू मूवी वाला काम ना हो जाओ लेटरिन का पानी भर जाओ फिर हो जाओ फिर कह दी उसमें फ्रिज में चेक करो कौन सा पानी एक बार। अच्छा क्या दो घंटे फालतू हो गए गोली की बंदी बोली दो मिलियन सब्सक्राइबर इससे क्या हो जाए बम को लुटा लो तो 24 मिलियन हो जाएंगे उसके यार अगर ऐसा हो गया कोई भी आया यूट्यूबर लेगा सारा 2 मिलियन सब्सक्राइबर चिपक के चला करते। अच्छा यूजी यही तार लिए और अगर यू ग्रैब कर लिया तो सारी फेम आ जाएगी तो ले लेते अब तो
उन तक सबसे ज्यादा आते थे करके लेते तो उन्हीं में ही है। अच्छा तू किसकी ग्रैब करता फेम अगर ऐसा है ग्रैब करने किसी की बिना करता भाई मेरी डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर है तेरे जैसे डिग्निटी से चुल्ला नहीं होता भाई चलता घर में कमा लिया बेटा तू किसकी कर लगा किसी नहीं एक एक बता इसके साथ तू कंफर्टेबल नहीं करता ले भाई नहीं यार ऑप्शन है तेरे पास अरे बता दे भाई तू ही रह गया इतनी तो मिलने की भी कोई ढंग का नाम नहीं कोई इतनी चाहती भी जितना साइज जितना छोटा होगा इतनी ऑडियंस कम रहेगी तुम दोनों के आशीष चंचल नहीं होगा इसलिए बीच का मार देगा चंचल तू किसकी करा कर अच्छे फेम किससे लेगा कोई वेस्ट का भी हो सके सेलिब्रिटी कोई दिक्कत ऐसा कोई यार यहां नहीं आ रहा मैं तो रायन गोसलिंग का करूंगा अच्छा वो एक्टर बेकार करता है वो लागे तो बेकार कर गया सूर्य बेल्ट पे पलटी मार के दिखाएगा क्यों मारू है क्यों मारू है क्यों क्या मस्ती के लिए खलने भैया के लिए इतना भी नहीं कर सकता अरे चल तू कर क्यों क्या फिर एक बार तू कर फिर शौर्य करेगा इंट्रो खुला किसी सामने वाले यूट्यूबर का उसमें क्लिप आई कैंसिल दे दी एक जगह यू भी तो चले जा रहा था फर्स्ट पे डागू कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं बस ट्रोल के लिए सारी का कंपाइलेशन उस पे देखो इन्हें उसी की बूंदे ये बंदा है जो देश के सोशल इकोनॉमिकल मुद्दों के बारे में बात करता है क्या आप उसकी क्या आप कुछ डाल लिया कंटा वंटा अच्छा वो सुन एक बार झूम दो एक बार इनपुट कब तक पहनने का फट गई क्या तू क्या ले कौन से रंग का है कौन सा होगा तो पिंक था इसका पर्पल अच्छा दोनों तेरे पास अच्छा वो ब्लॉग शूट हो गया तो निकाल दिया रात के कपड़े पहन लिए अपना बेस्ट आउटफिट निकाल लिया रात वो मम्मा जो जोड़ी देके गए होंगे ना कपड़ों की वो निकाल ले और दूरा कर लेंगे लोंडी बन जा क्या है नहीं कुछ जाट के लड़कों वाली बात नहीं मैं छोटे करके बैठक रहे हैं पे इंसान भी क्या चीज है सही टाइम पा रहे हल्का सा लग गया अभी बस जोक समझने में मैं तो पहन ले फॉर्मल जूते सारा आउटफिट तो कर लिया रेडी सोने के लिए छोरिये सपने में दिक्कत ना हो जाए ये चप्पल छोटी है क्या है ये चप्पल छोटी नहीं है चप्पल की पटी पटी से धागा भी पटा पटा किसी दिन चलता चल चलता 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 डिसेंबल हो जाएगा किचन में रखा गया फ्राई कर दिया फ्राई में रोटी कान के लगाओ फिर रहा रोटी से अगर फोन कर लिया क्या करेगा सुबह सुबह टाइम से उठो यार मैं 10-11 बजे उठा डेली ऐसे दोस्तों से ही तो बचना जो साथ कहीं एक जगह एक मंजिल की तरफ को चलते फिर रास्ते में ही साथ छोड़ दे क्यों कल सुबह 9 बजे क्या है अरे सफाई देवे पता नहीं क्या है अरे हैं क्यों बिल्ली बच्चा मुझे बहुत बालक रुला दे